नमस्ते, हमारे चैनल में सबका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो में आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करूँगा एक हैंडग्लव्स की, जो है वर्टेक्स डिस्पोजेबल लेटेक्स मेडिकल एग्जामिनेशन ग्लव्स। और ये सिर्फ मेडिकल पर्पस से यूज नहीं होते हैं, ये रबर ग्लव्स ब्यूटी पार्लर में या आपका कोई भी ब्यूटी केयर के लिए भी इसका ज़रूरत होते हैं। साथ साथ टेक्निकल काम में भी हाथ का पसीना आपका गैजेट्स में ना लगे, इसलिए भी इसका इस्तेमाल होते हैं। साफ सफाई के काम में भी इसका इस्तेमाल होते हैं। और मेडिकल पर्पस में ऐसा नहीं, कुछ लोगों का सोच ऐसा है कि इसे सिर्फ डॉक्टर या नर्स लोग यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग कुछ मेडिकल कंडीशंस में चलते हैं, उन लोगों को क्या करना पड़ता है, वो इलाज के लिए लगातार मतलब उसको मेंटेन करना पड़ता है। जैसे डायलिसिस हो, ऐसा बहुत कुछ स्ट्रिक्चर्स हो, ऐसा कुछ भी बहुत सारी डिजीज होते हैं जिसमें इसका इस्तेमाल होते हैं। खास करके जो ग्लव्स हमें इंडिया में मिलते हैं वो इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं और उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ये ग्लव्स का पैकेजिंग कुछ और किस्म का है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, साथ साथ ये कंपनी का आदर्श क्या क्या प्रोडक्ट है उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि फेस मास्क है इन लोगों का और सर्जन कैप है और क्या क्या प्रोडक्ट इन लोगों का है, यहाँ पर विस्तार से वो लिखा गया है। तो ये ग्लव्स का मैं इसलिए आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसे मैं अनबॉक्स भी कर रहा हूँ कि ग्लव्स का मल्टी यूजेस है यहाँ पर। और देखिए कि इसका पैकेज कुछ और किस्म का है, जैसा पैकेज इंडिया में बहुत कम मिलता है ऐसा पैकेज। एक प्यार यहाँ पर आया और फिर यहाँ इसे आपको थोड़ा हाइजीनिक तरीका से हाइजीनिक की तरीका से आपको इसे कीपिंग करना है कि कोई डस्ट कुछ भी अंदर ना जा पाए। ये थोड़ा चीप होता है, इसका एक साथ एक बॉक्स लेने में ये आर्थिक रूप से आपका थोड़ा सस्ता आता है। चलिए इसका क्वालिटी का जांच करते हैं, क्या इसका क्वालिटी भी क्या यूज करने के लायक है। चलिए इसके आपके सामने ही मैं इसे यूज कर रहा हूँ। ये इतना ये ग्लव्स का क्वालिटी अभी तक तो मैं जो देख रहा हूँ इतना ख़राब तो नहीं है, ये फंस भी नहीं रहा है और इससे पहनने में ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं हो रहा है। और ये यूज़ एंड थ्रो, ये तो पहले ही बोल दिया गया कि इसे आप एक बार ही यूज कर सकते हैं, दोबारा यूज के लिए नहीं है। इसमें और दूसरा रबर ग्लव्स जैसे उससे मेरा अनुभव थोड़ा कुछ और किस्म का होता है। ये है तो रबर ग्लव्स, लेकिन जैसा मैं इसे पहन लिया लगता है कि कॉटन ग्लव्स से जैसा थोड़ा अनुभव मुझे लगा। तो ये पहनने में या काम करने में आसान है, आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये ग्लव्स भारत में केवल मेडिकल पर्पस यूज़ नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ये ग्लव्स सिर्फ डॉक्टर या नर्स लोग ही यूज करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, मरीज भी यूज करते हैं या उसका घर वाले भी यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिजीज ऐसे हैं कि हॉस्पिटल से छोड़ने के बाद या जिंदगी भर उसका ड्रेसिंग या डायलिसिस ऐसा कुछ करना पड़ता है। जैसे मानो के स्ट्रिक्चर ऐसा एक डिजीज है, यूरेट्रा स्ट्रिक्चर्स। तो यहाँ पर आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ब्यूटी पार्लर में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है या ब्यूटी मतलब ब्यूटी केयर के लिए इसका इस्तेमाल होता है, टेक्निकल काम के लिए होते हैं, लैब में होते हैं। सिर्फ मैं मेडिकल लैब का बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैं फोटो लैब का बात भी कर रहा हूँ।
और या बहुत सारे टेक्निकल काम में इसका होते हैं, आप लोग इसका यूज कर सकते हो। ये पूरा पैक में आता है, कोई इंडिविजुअल इसमें अलग से पैकिंग खर्चा भी नहीं है, इसलिए ये थोड़ा चीप होता है, हाइजेनिक भी है, लेकिन इसका कीपिंग, एक बार अगर आप सील इसका खोल दिए हो तो जरूर इसका कीपिंग के ऊपर आपका आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो हाइजेनिक तरीका से हो। ये ग्लास आप लोग दिख रहे हो, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग और भी कुछ लेकर आऊंगा आप लोगों के सामने। नमस्ते।